ये सेकंड लिफ्ट, मेन एंट्रेंस, एंट्रेंस हॉल, लिविंग रूम, मीटर बोर्ड, किचन, अप स्टेयर केस, मास्टर बेडरूम, दिस किड्स बेडरूम, बालकनी, दिस वन इज बालकनी, लेट्स सी, जस्ट हैव अ लुक, दिस आई एम रेडी फेसिंग बालकनी, दिस ए बी सी विंग and this one GHI wing. Can see the this one is kitchen. That is the entrance hall. Kitchen. Chimney, gas stove, air purifier, water purifier, cupboards, that is a modern type kitchen. Lots of space. Here comes the dry balcony. This one is dry balcony. Now turning to the hall. See that light comes through the whole house. एक भी लाइट चालू नहीं है फिर भी इतना उजाला रहा है. अभी शाम का 5:30 बजा है फिर भी उजाला आप देख सकते हो. इवन किचन को भी लाइट की ज़रूरत नहीं है. फर्स्ट कम तो किड्स बेडरूम, किड्स बेडरूम, बाथरूम एंड किड बेडरूम, हॉल. सी द सेम व्यू फ्रॉम किड्स बेडरूम. It is AC in kids bedroom, same here the hall view. That is the master bedroom, same window. Master bedroom comes bathroom, AC, window, same view from master bedroom, same view. Bathroom. Washroom. Switches. That one for the steamer bath. AC. Now comes to the stairs. This one has, you can use it as a spare things, to use the spare things. आप कोई भी सामान यहाँ पे रख सकते हो, इतना बड़ा ये स्पेस है एक्चुअली.
यहाँ से हम लोग ऊपर जाते हैं, दैट इज अवर ऊपर एक छोटा रूम है जिसको हम लोग स्टडी रूम और ऑफिस रूम बोल सकते हैं। इट्स जस्ट पैसेज ओनली, डक टाइप पैसेज। ये एक रूम है, जस्ट एंड हियर द एंट्रेंस फॉर अ टेरेस, यू कैन चेक इट आउट। ये रूम के पीछे साइड में भी 4x10 की जगह छोड़ी इन्होंने, मतलब आप रूम एक्सटेंड भी कर सकते हो। ये एक बालकनी भी आता है यहाँ पे, नीचे में नीचे का बालकनी है, ये भी एक बालकनी है व्यू। इतना स्पेस आपको मिल जाता है अराउंड फ्रॉम माय फीट, इतना लंबा स्पेस है, अराउंड 50 लोग की पार्टी आराम से हो सकती है इतना। यहाँ पे एक छोटा सा गार्डनिंग करके आप ये एक झूला लगा सकते हो, ये भी अपना ही स्पेस है। यहाँ पे आप सिंपली एक रूम निकाल सकते हो, यहाँ पे बाथरूम का प्रोविज़न दिया है, बाथरूम से कर सकते हो। यहाँ से आप एक डोर निकाल सके, ये रूम के लिए एंट्री रख सकते हो। यहाँ से भी मैं सेम व्यू दिखा देता हूँ, सेम व्यू फ्रॉम हियर। जैसे उन्होंने किया है ऊपर में, आप कुछ टीन्स वगैरह डाल के शेड कर सकते हो, जैसे कि टेम्पररी कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हो। ऊपर में सोसाइटी का ये एंट्रेंस, यहाँ पे अपना एक्सेस नहीं, किसी का भी एक्सेस नहीं है, बढ़िया हमारा ये रहेगा। एंड इसके पार दूसरे वाले विंग का, सॉरी दूसरे सेम विंग के दूसरे इसका एक्सेस है। ये दीवार है पूरी कम्प्लीटली सेम। हम लोग अंदर जाएंगे, यहाँ से भी मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ, ये व्यू आएगा। यहाँ पे 10 लोग भी खड़े हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम ये व्यू मिलेगा आपको। दैट इज हॉल, किड्स बेडरूम, बालकनी, मास्टर बेडरूम, स्टेयरकेस, किचन, मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस